जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं फखरुद्दीन तिजारा राजस्थान से, और साथियों कहना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में पहुंचे हैं हमारे अंकल श्री सतीश कुमार जांगड़ा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पूरी एबीटी की, और इनके स्टाफ से हमारे साथी पहुंचे हैं सुनील भारद्वाज जी, एबीटी, श्री भगवान शर्मा अध्यक्ष धारवाड़ा भिवाड़ी, नीरज कौशिक जी उपाध्यक्ष भिवाड़ी मंडल, दीपक मोर सचिव भिवाड़ी, सुरेंद्र सुरण भिवाड़ी। तो सभी का मैं दिल की गहराइयों से आभार करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे तिजारा की पावन धरा पर हमारे श्री माननीय भारत ड्राइवर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश कुमार जांगड़ा जी का भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं कि जो हमें कुछ समझा और यहां आने का मौका दिया। बताना चाहूंगा साथियों, सबसे पहले हमारे जो कुछ स्टाफ से हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनका एक बार मान सम्मान करें। तो सबसे पहले मैं कृपाल सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और एक बार साफा पहनाकर और हमारे अंकल का सम्मान करें। थोड़ा चेहरा उधर कर लेना मोबाइल की तरफ, नजदीक हो जाओ बेटा, कोई बात नहीं, इनको इनको कोई बात नहीं, चलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तालियों के साथ एक बार स्वागत करते हैं सभी साथी। आगे मैं निवेदन करूंगा कि सुनील भारद्वाज जी जिला अध्यक्ष एबीटी का मान सम्मान करें, जर्नल सिंह जी माला पहनाकर उनका स्वागत करें। आ जाओ, आ जाओ। आगे मैं आयु भाई को कहना चाहूंगा कि वो आ गया है, और श्री भगवान शर्मा अध्यक्ष धारवाड़ा भिवाड़ी जी का उनका सम्मान करें माला पहना कर। थोड़ा पीछे कर लो कुर्सी। हमारे चाचा जी आए नीरज कौशिक उपाध्यक्ष भिवाड़ी मंडल के, और उनको माला पहना कर उनका स्वागत करें। थोड़ा मोबाइल तरफ दे, उधर देखो एक बार उधर। मैं भी इशाक भाई को आग्रह करूंगा कि एक बार दीपक मोर सचिव भिवाड़ी से जो हमारे आए हुए साथी उनका माला पहनाकर उनका स्वागत करें। सुरेंद्र सुरण सिंह भिवाड़ी सब भी रहे, और भाई का एक बार माला पहनाकर उनका भी मान सम्मान करें। अजीत भाई ये रहे हमारा, ये तो बहुत जरूरी है। इमरान भाई को निवेदन करूंगा कि अजीत भाई का एक बार माला पहनाकर उनका मान सम्मान करें। बैठा मत ना, खड़े रहे। जमील को एक बार कहूंगा कि हमारे जो अंकल जी हैं माला पहना कर इनका भी फिर से एक बार और स्वागत करें। वकील जी को कहूंगा कि एक बार
कृपाल सिंह जी का भी, हमारे बुजुर्ग आदमी, उनका भी माला पहनाकर स्वागत करें। बहुत अच्छा। आकिब को कहूंगा कि एक बार जर्जेल सिंह जी, हमारे बहुत पुराने ड्राइवर हैं हमारे बीच में, उनका माला पहनाकर उनका भी स्वागत करें, क्योंकि एक ड्राइवर ही देश की रीढ़ की हड्डी है। जी तो साथियों, बताना चाहूंगा कि देश में लगभग 22 करोड़ के आसपास ड्राइवर की संख्या है, लेकिन हमारे ड्राइवरों का कहीं ना कहीं शोषण होता आ रहा है। ड्राइवरों के खिलाफ ना कोई आज तक बोला है ना बोल पाया है। ड्राइवर हर जगह प्रताड़ित किए जाते हैं, उनको मतलब गिरी हुई नजरों से देखा जाता है, ना उनको कहीं मान सम्मान मिलता है, ना उनको कोई मतलब कोई हैसियत से देखा जाता है। कहीं कोई गाली देता है, कहीं मारपीट कर देता है, तो उसके ऊपर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो हमें ऐसे एक वीर सिपाही की जरूरत थी, तलाश थी कि हमारे बीच में कोई ऐसा योद्धा है जिसके पीछे हम लगे और हमारी आवाज को बुलंद कर सके। तो मैंने हमारे अंकल जी श्री सतीश कुमार जांगरा जी की मैंने वीडियो के माध्यम से कुछ इनकी ट्वीट और वीडियो देखी, तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, इंसान में कुछ है। तो मैंने अंकल से मुलाकात करने की कोशिश की और ऊपर वाले ने हमें आमने सामने रूबरू खड़ा भी कर दिया है। तो अंकल जी हमारे बहुत अच्छे इंसान है, मैं बताना चाहूंगा कि इनका जो प्लेटफॉर्म है बहुत सच्चा है। भारत ड्राइवर एसोसिएशन, हमें एक जगह आने की जरूरत है। सभी साथियों से मेरा आग्रह है, भारत के हमारे जितने भी ड्राइवर है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत ड्राइवर एसोसिएशन से जुड़े और एक प्लेटफॉर्म में आएंगे तो साथियों हमारा मनोबल बढ़ेगा।